ये देखो भाई हो, वसीम भाई को नाक लगते हुए। ये देखो भाई, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम शेख बुल्ढाना फिशिंग ग्रुप से। आज फिर से शिकार के स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। अभी हम सुबह 8 बजे का टाइम, और ये हमारा स्पॉट। तो ये स्पॉट पे क्या होता है, शिकार कैसे होता है, वो हम आपको आज बताएंगे। काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे शिकार किए हुए मैंने, और अब सीज़न में मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। तो देखते हैं अभी ये क्या होता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा डैम है ये, और यहाँ पे मरल के झुंड भी घूमते हैं भाइयों। तो मरल के झुंड भी अगर दिखे तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और सामने हमारे लतीफ़ भाई शिकार खेल चालू कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप कभी भी शिकार पे आए तो जगह का ख़ास ख्याल रखें। ये जो सामने जो गंजी होती है, जो झाड़ बेशरम जो भी घान होती है, उसी में शिकार करें। और ये जो बेशरम के जो झाड़ है, इसकी साइड से इसके जो कट होते हैं, इसके कट से फ्रॉक चलाएं, इसमें काफ़ी संभावना होती है शिकार लगने की। ये देखिए, मैं वहीं पर फ्रॉक कास्ट कर रहा हूँ अपनी। ये अभी लगा है भाइयों एक पीस, इसका वीडियो मैं लाइव नहीं बना पाया। ये कबरा, ये अभी लगा, ये देखिए, ये करीब 1 किलो का कबरा, इसका लाइव वीडियो नहीं बना पाया मैं। ठीक है, शिकार जो है दोस्तों मौसम पे डिपेंड है। अगर आपको सही मौसम है तो शिकार भी सही होगा और ज़्यादा होगा। वजह ये है कि ठंड में जो मच्छी होती है वो ऊपर नहीं आती, उसके लिए थोड़ी धूप की ज़रूरत होती है। धूप में मच्छी ऊपर आती है, सांस लेती है, और झुंड भी निकलते हैं धूप में। और अभी मौसम काफ़ी ठंडा है, इसलिए अभी कोई शिकार हाथ नहीं आ रहा, या कोई बाइट भी नहीं हो रही है। देखिए भाई, हमारा एक साथी लतीफ़ भाई उधर से आ रहे हैं, उनके थैली में मरल है,
देखते हैं कितने लगे इनको। तीन नग लगे वसीम भाई। तीन नग लगे क्या? चलो माशाल्लाह बहुत अच्छे है, मेरे को इधर एक नग लगा भाई। तो देखिए भाइयों, आने के एक घंटे के बाद का ये शिकार हमारा, तीन नग चार नग हो चुके हैं। करीब 125 घंटा हमने खेले। लतीफ़ भाई थोड़ी दूर थे इसलिए वीडियो बना नहीं पाया मैं। तो ये अभी टोटल कब्रे है और पूरे फुल साइज है, एक एक किलो के। ठीक है, आगे का शिकार आगे और बताएंगे आपको। भाइयों, अब ये स्पॉट से निकल के हम दूसरे स्पॉट पे जाने वाले हैं। वहाँ खेलना आराम आराम से ले उसको। ये देखिए भाइयों, माशाल्लाह बहुत प्यारा स्नेक है। आराम से ले लो उसको इधर। करीब 125 किलो का है ना? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शिकार। पहले वहां पे बताया उसने कि वहां था कुछ है कि नहीं। हाँ, वो वहां से वो बेशरम के पास में। ठीक है दोस्तों, अभी और वसीम इधर से आएंगे थोड़ा जाएंगे। हाँ थोड़ा इधर से ले भाजी में से ले उसको। बस वहीं से हो। आया था ना? थोड़ा आ गया तो आप वसीम भाई को नाक लगते हुए
एक और नक भाइयों, देखिए देखिए एक और नक, काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पे। ये देखिए भाइयों, लायू, फिर से एक और, आराम से ले लो उसको, ले लो ले लो, पानी के बाहर ले उसको पहले। है 1.5 किलो का है शायद, करीब 1.5 किलो का नख। फिर से माशाल्लाह जबरदस्त यहाँ हमारा शिकार। एक बार उसको हाथ में लो लतीफ भाई, ये देखिए 1.5 किलो का एक और नख, माशाल्लाह जबरदस्त। अभी टाइम बहुत है हमारे पास में, इंशाल्लाह और भी शिकार बाकी है। ठीक है, शिकार भाई। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए भाइयों।